बनाने का सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है हमारा पूर्वी हिंदुस्तान। इतना पोटेंशियल है, सामर्थ्यवान मानव संसाधन है, अखंड प्राकृतिक संपदा है, परिश्रम के धनी है, संकल्प कर करके जिंदगी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारा पूरा ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ऐसे सामर्थ्यवान हमारे राज्य है जहाँ प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उसको आगे बढ़ा करके देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में हम प्रयत्नरत हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये बड़ा अहम काम, उसको हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद पहला काम किया था ऐसा ही बनाएगा। आज 3 साल के बाद मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, गर्व से बताना चाहता हूँ, 3 साल के भीतर भीतर करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन को हमने खोल दिया है, उसको पकड़ा है और उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला किया। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था उसको मुख्य धारा में आना था। और आपने देखा होगा हम कभी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बढ़ाते जाते थे, कभी पेट्रोल पंप पर, कभी दवाई दुकान पर, कभी रेलवे स्टेशन पर पुरानी नोट लेने का जारी रखते थे। तो ये हमारा प्रयास कि एक बार जमा उठाना है कि बैंकों में एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए, और इस काम को हमने सफलतापूर्वक पार किया। और इसका कारण ये हुआ है, करीब 3 लाख करोड़ रुपया ये सरकार ने जिस पे किया बाहर के एक्सपोर्ट किया, नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि सबके घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा सारा धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुई है। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है। इस वर्ष इसका परिणाम देखिए, 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख, पिछले साल उसी अवधि में ये संख्या सिर्फ 22 लाख, डबल से भी ज्यादा। ये कारण काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचान दिया गया है जिनकी आय उनके हिसाब किताब से कुछ ज्यादा बेशुमार ज्यादा है, और इसलिए ये अंतर का उनको जवाब देना पड़ रहा है। 4.5 लाख लोग इसमें से अब मैदान में आए हैं, रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है।
दुनिया के अंदर डिजिटल कैंपस के जरिए एक अजूबा बना हुआ है।